हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल दे रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑस्ट्रेलिया में जाने का एक सुनहरी मौका, और वहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं, किस हिसाब से आप जा सकते हैं, कौन सा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया है, उसके बारे में आप लोगों को मैं अपने वीडियो में विस्तार से बताऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। दोस्तों, अभी हाल ही कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है जिसका नाम है FTA, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है किसी देश के साथ, क्योंकि हर एक देश एक दूसरे देश के साथ FTA एग्रीमेंट करता है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे हमारे देश के साथ एग्रीमेंट किया है, उसमें क्या है कि इंडिया से कोई भी सामान, चाहे वो कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो या और बहुत सारा सामान हो जो कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सके ऑस्ट्रेलिया में, और इसके अलावा यहाँ से स्टूडेंट पढ़ने के लिए वहाँ जा सकते हैं, वर्कर की डिमांड दे सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट क्यों होता है? ये होता है दो देशों के बीच में, जब उनकी GDP को देखते हुए ये एग्रीमेंट किया जाता है। इंडिया ने उनसे साथ एग्रीमेंट किया है कि आप अपनी तरफ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारे देश में कीजिए, और आप अपनी तरफ से जो भी बेनिफिट्स हमारे देश को देंगे वैसे ही बेनिफिट हम आपके देश को देंगे। तो ऐसे ही एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स, वर्कर और जिन्होंने अपना वहाँ पर कोई भी बिजनेस सेटअप करना, उनके लिए काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो पहली बात करता हूँ स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए जाता है, पहले 3 साल के लिए स्टडी कर सकता था, बट उन्होंने अभी 2 साल और बढ़ा दिए हैं, अभी 5 साल की स्टडी वहाँ पर कर सकता है। जैसे कि मान लो 3 साल की डिग्री की उसने, ग्रेजुएशन डिग्री की, उसके बाद वो मास्टर डिग्री करना चाहता है, तो उसके लिए पहले उनको दोबारा से अगेन वही कागज कार्रवाई करना पड़ता था, मगर अभी वैसा नहीं है। अभी आप वहाँ उन 2 सालों के अंदर अपनी मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पर आप अपने वर्क परमिट अप्लाई भी कर सकते हैं। और दूसरी अगली बात यह है टूरिस्ट। टूरिस्ट के लिए काफ़ी कागज कार्रवाई होती थी, कागज कार्रवाई काफ़ी कम कर दी गई है, और जो वर्कर है जो ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं उनकी भी काफ़ी कागज कार्रवाई कम कर दी है। जो भी वीज़ा लेना चाहते हो, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। प्रोसेस आसान, जितना भी आसान हो सके ऑस्ट्रेलिया ने उतना आसान किया है, और ये जो एग्रीमेंट है ये काफ़ी टाइम चलेगा, और पहले पहले जो स्टूडेंट्स वर्कर्स फ़ायदा ले सकते हैं वो ले लें, और फटाफट ऑस्ट्रेलिया में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस नए एग्रीमेंट के साथ हुई हैं उसकी स्टडी करें। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ जो FTA एग्रीमेंट किया है, और इसमें क्या कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं और काम करना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके लिए बहुत अच्छी है कि ये न्यूज़ है, और वो आगे अगर अपना काम पढ़ना या वर्क करना के लिए जाना चाहते हैं तो वो इस पहले स्टडी कर लें अच्छी तरह, फिर उसके बाद अगला कदम उठाएं। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, FTA एग्रीमेंट के बारे में जो इंडिया के साथ हुआ है, और इंडिया अभी और देशों के साथ भी ये एग्रीमेंट कर रहा है। UK के साथ भी पहले हो चुका है, और आज धीरे धीरे और देशों के साथ भी एग्रीमेंट करेगा, जिससे कि हम लोगों के यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर आना चाहते हैं या वहाँ के बच्चे इधर आना चाहते हैं काम करने के लिए, उधर इधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी है वो उनके लिए काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमारे देश के जितने भी कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं काम, जो भी, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा एक अवसर है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।